हेलो हाँ जी नीता जी, सुभाष बीपीएन न्यूज से। हाँ जी बोलिए जी, आप कोरोना वॉरियर्स के रूप में आज बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो आप बता सकते हैं कि आप कब से इस कोरोना ड्यूटी में लगे हुए हैं? हाँ जी, मैं पहले आइसोलेशन में 14 दिन के लिए ड्यूटी कर रही थी एनएमसीएच में जी। उसके बाद मेरी 14 दिन के बाद आईसीयू पॉजिटिव में एसएसबी में ड्यूटी है जी। और अभी मैं लगातार 28 दिन से घर से बाहर हूँ और बाहर ही मेरी बेटी है एक 15 महीने की और एक सास है मेरी बीमार है, बेड पे है जी। उनसे दूर मैं यहाँ बाहर गवर्नमेंट ने जो व्यवस्था करी है हमारी वहाँ पर रह रही हूँ। इतना कार्य करने का हौसला आपने कहाँ से आया? ये एक नर्सेज का हमारा सेवा का जो मौका मिला है मानव सेवा का, उसे हम कर रहे हैं क्योंकि मैं ऐसे समाज से बिलोंग करती हूँ, बहुजन समाज से, जहाँ पर लड़कियों को पढ़ाने के लिए मौका नहीं दिया जाता है, लेकिन माँ बाप से प्रेरणा और मेरे ससुर जी फौज में थे तो उन्होंने भी देश सेवा की है, इसलिए मुझे उनसे उन लोगों से प्रेरणा मिली है। पिछले कई दिनों से आप घर नहीं गए? नहीं गए बिल्कुल भी, और नहीं पर अपने आइसोलेशन वार्ड में अपनी ड्यूटी दे रहे हैं? हाँ बिल्कुल दे रहे हैं, अभी मैं आईसीयू पॉजिटिव में है, गहन चिकित्सा इकाई में हूँ। तो अब तक कितने पेशेंट जो आप जिन्हें आपने ट्रीट किया, इनकी आपने सेवा की? हाँ बिल्कुल, मैं आइसोलेशन में थी, मेरे वार्ड में मुस्लिम महिलाएं एडमिट थी जो डबल नेगेटिव होकर डिस्चार्ज हुई है, उनको ये है कि घर वालों से नहीं मिल पाई वो, और लेकिन एक हौसला था इस बीमारी को हराने का, तो इस वजह से वो इस बीमारी को हरा के और अपने घर चली गई। और से हर व्यक्ति अगर इस बीमारी से संक्रमित हो जाता है तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा अगर उसमें हौसला है तो। विश्व नर्स डे आज, उसकी आपको शुभकामनाएं हाँ, देना चाहूंगा, उस पर आप कोई संदेश देना चाहेंगी? इस पर आपको संदेश? हाँ मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि हमें इस महामारी में एक एक जज्बे को लेकर हमें एक लड़ाई को, इस युद्ध स्तर की लड़ाई को हमें लड़ना पड़ेगा और इस लड़ाई से हमें जीतना पड़ेगा। बीपीएन न्यूज से बात करने के लिए धन्यवाद, आप देखते रहिए बीपीएन न्यूज। थैंक यू, धन्यवाद। आप बात कर सकता हूँ?